वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सप्लोर अमेजिंग पाकिस्तान। आज हम सरफरंगा कोल डेजर्ट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ये सकरतू वैली के करीब शिगर डिस्ट्रिक्ट में है, शिगर डिस्ट्रिक्ट जिसमें केटू भी है। हमने अपने सफ़र का आगाज़ सकरतू सिटी से किया। सकरतू सिटी से कोल डेजर्ट तकरीबन हाफ आवर की ड्राइव पर है। ये शिगर वैली जाते हुए रास्ते में आता है, इंडस रिवर दरमियान में बह रहा है और इंडस रिवर की दूसरी तरफ शिगर डिस्ट्रिक्ट है और शिगर डिस्ट्रिक्ट की स्टार्ट में ये सरफरंगा कोल डेजर्ट है। हम रिवर क्रॉस करके दूसरी तरफ डेजर्ट में जाएंगे। अभी हम जिस सड़क पर हैं ये सीधी खपलू की तरफ जाती है, खरमोश वाटरफॉल की तरफ जाती है और यहाँ से ही इसी सड़क पर आगे जाकर एक तरफ मंठोका वाटरफॉल आता है। इंडस रिवर के ब्रिज पर हम आ चुके हैं, इसको क्रॉस करके हम शिगर डिस्ट्रिक्ट में दाखिल हो जाएंगे और ये ब्रिज के ऊपर दरिया का प्यारा व्यू, कितनी यूनिक ये जगह है कि यहाँ पर एक तरफ तो दरिया बह रहा है और पीछे पथरीले पहाड़ और उसके पीछे और ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स हैं और इन पथरीले पहाड़ों के नीचे डेजर्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा कोल्ड डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट दुनिया में सिर्फ 12 हैं और उनमें से एक यहाँ पर सकरदू में शिगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, शिगर द लैंड ऑफ केटू, यहीं इसी शिगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर केटू भी है। आगे इसके बाद शिगर वैली आएगी। फिलहाल हम आपको ये दिखा रहे हैं सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट और हम कोल्ड डेजर्ट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हर साल अक्टूबर में जीप रैली होती है जिसमें पूरे पाकिस्तान से बहुत सारे लोग शिरकत करते हैं। कोल्ड डेजर्ट में आप ठंडी ठंडी रेत पर वॉक करें, यहाँ पर रात बहुत मज़े की होती है, स्टारी नाइट, और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। यहाँ पर आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, इसके अलावा क्वाड बाइक चला सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। आपको एक छोटे प्लेन के ज़रिए पूरे डेजर्ट का नज़ारा भी करवाया जाता है और ये सैंड ड्यून्स, यहाँ पर आप जा सकते हैं, यहाँ पर जीप हायर करके जा सकते हैं इन सैंड ड्यून्स के अंदर। अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं और पैदल वॉक कीजिए यहाँ पर, तो बहुत मज़ा आएगा आपको इन सैंड ड्यून्स के ऊपर जाकर ये पूरे डेजर्ट का व्यू। अभी हम आपको एक जीप दिखाते हैं, ये जीप देखिए, ये जीप जा रही है। यहाँ पर आपको तकरीबन 6,000 to 7,000 में ये जीप मिल जाएगी जिसके अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं और ये आपको पूरे डेजर्ट की सैर करवाएगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ये आपको दूर तक ले जाएगी। देखिए ग्लेशियर्स का व्यू, पीछे बैकग्राउंड में ग्लेशियर्स हैं और नीचे ये रेत स्कूल डेजर्ट, और यहाँ पर एक गाड़ी वाला आया हुआ है, ये स्टंट्स दिखा रहा है, डेजर्ट में एंजॉय कर रहा है। आइए इसको देखते हैं, वेरी ब्यूटीफुल व्यू, यहाँ पर आप अपनी गाड़ी में एंजॉय कर सकते हैं ऐसे, अगर आपके पास ऐसी गाड़ी है जो रेत में चल सकती है इजीली तो आप यहाँ पर ज़रूर इसके मज़े लीजिए। और ये देखिए बहुत सारे लोग क्वाड बाइक्स चला रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ डेजर्ट के अंदर। शाम का वक्त हो चुका है, अभी एक ये जीप वापस आ चुकी है डेजर्ट से, डेजर्ट सफारी करके। अब यहाँ काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और इसकी वजह से सैंड जो है वो बिखरी हुई है और कितना प्यारा व्यू है इस वक्त यहाँ पर। और ये देखिए, ये दूर से पूरे डेजर्ट का व्यू देखिए, शाम है, बादल हैं और सनसेट हो रहा है और बहुत ही प्यारा व्यू है, इट्स ट्रूली अमेजिंग। यहाँ सकरदू में एक और कटपना डेजर्ट भी है, आप उसका विजिट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं जल्दी एक और एपिसोड के साथ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।